दोस्तों, एटीएफपी टेक में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अभी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं यूट्यूब का कुछ जरूरी सेटिंग। तो दोस्तों, आप लोग नए यूट्यूबर है या पुराना यूट्यूबर है, इसमें दोस्तों कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ये जो सेटिंग हम आप लोगों को दिखाएंगे, इसमें इस सेटिंग से आपका चैनल को रैंक करने में बहुत सारे मदद करेगा। तो दोस्तों, आप लोग अपना यूट्यूब चैनल में जाके आप लोग चेक कर लीजिए। अगर आपका चैनल पे इस तरह का सेटिंग नहीं है तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देख के दोस्तों आपका जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जाके आप लोग सेम उसी तरह से आप लोग सेटिंग कर लीजिए। आपका चैनल दोस्तों रैंक करने में बहुत सारे मदद करेगा ये जो सेटिंग्स है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लैपटॉप का स्क्रीन पर किस तरह से सेटिंग पूरा करना है। दोस्तों, मैं लैपटॉप का स्क्रीन पर आ गया हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोग को यूट्यूब का जरूरी कुछ सेटिंग्स जो होता है इसका बारे में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग देखिए, अगर आप लोग को पसंद नहीं लगा तो आप लोग वीडियो छोड़ दीजिए, मत देखिए। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे सेटिंग का ऊपर क्लिक करना है। पहले सेटिंग का ऊपर दोस्तों जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों आप लोग चैनल का ऊपर पहले क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, अभी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं चैनल का ऊपर क्या क्या सेटिंग रहता है और क्या क्या सेटिंग आता है इसमें। दोस्तों, पहले आप लोग यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। आप लोग जिस कंट्री के रहने वाले हैं यहाँ पे आप लोग उसी कंट्री को सेलेक्ट कर लीजिए पहले। उसका बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे कीवर्ड डालना है। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोग को दो कीवर्ड जो है आप लोग को मैं डाल के दिखाती हूँ और आप लोग को मैं बता देती हूँ किस तरह से कीवर्ड डालना है और ये कीवर्ड किस तरह काम करता है। यहाँ पे दोस्तों पहले आप लोग अपना चैनल का नाम डाल दीजिए। उसका बाद दोस्तों आप लोग जिस लैंग्वेज में आप लोग वीडियो बनाते हैं उसी लैंग्वेज यहाँ पे टाइप कर लीजिए। उसका बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे कीवर्ड डालना है। दोस्तों, मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, आप लोग अगर समझेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए, हम टेक के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं किसी कवर चैनल या किसी फनी वीडियो का यहाँ पे कीवर्ड डालेंगे तो मेरा वीडियो जो है वो कीवर्ड काम नहीं करेगा। जो कीवर्ड डालेंगे यहाँ पे फालतू हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। तो दोस्तों, हम अभी आप लोग को यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे जब कीवर्ड डाले, आप लोग जिसके रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, जिस टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो बनाते हैं उसी टॉपिक का हिसाब से आप लोग यहाँ पर कीवर्ड डालिए। नहीं तो दोस्तों आप लोग जो कीवर्ड डालेंगे इसमें कोई काम का नहीं होगा। उसका बाद दोस्तों आप लोग को एडवांस सेटिंग का ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को दिखा देती हूँ, डो यू वांट टू सेट योर चैनल एस मैट किड्स। यहाँ पे दोस्तों देखिए, पहला जो है ये होता है आप बच्चे के लिए वीडियो बना रहे हैं क्या, ये पूछ रहा है। और दूसरा, अगर आप लोग बच्चे के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं तो दोस्तों आप लोग ये दो नंबर का ऊपर क्लिक कर दीजिए, नो सेट दिस चैनल इज नॉट मेट फॉर किड्स। अगर आप लोग बच्चे के लिए वीडियो बनाते हैं दोस्तों तो ऊपर का जो यस सेट दिस चैनल इज मेट फॉर किड्स, इसका ऊपर दोस्तों क्लिक करना है। अगर आप लोग बच्चे के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं तो दोस्तों आप लोग इसका ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसका बाद दोस्तों आप लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दिए, यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सब्सक्राइबर काउंट। यहाँ पे दोस्तों आपका चैनल का जो सब्सक्राइबर है वो आपका जो ऑडियंस है उसको आप लोग दिखाना चाहते हैं या नहीं। अगर दोस्तों आप लोग इसको दिखाना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे टिक मार्क रहने दीजिए। अगर आप लोग सोचते हैं कि हम मेरा चैनल का सब्सक्राइबर मेरा किसी ऑडियंस को भी नहीं दिखाएंगे तो दोस्तों आप लोग इसको टिक मार्क उठा दीजिए। दोस्तों, ये जो सब्सक्राइबर काउंट का जो ऑप्शन है इसका बारे में दोस्तों हम वीडियो का लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग इसको टिक मार्क रखना चाहिए या नहीं चाहिए। या उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपलोड डिफॉल्ट का ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग अगर टाइटल प्रीसेट करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग कुछ प्रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रीसेट क्या होता है मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। मेरा चैनल आप लोग
आप लोग का अगर टाइटल में दोस्तों आपका जो चैनल है उसका नाम देना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे आपका चैनल का नाम देकर प्रीसर्व करके रख सकते हैं। ये दोस्तों जब आप लोग वीडियो को अपलोड करेंगे तभी ये नाम आपका वीडियो का जो नाम है उसका सामने आ जाएगा। ये दोस्तों प्रीसेट हो गया। उसका बाद दोस्तों आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप लोग को यहाँ पे जो भी कुछ आप लोग डिस्क्रिप्शन प्रीसेट करके रख सकते हैं आपका चैनल में कांटेक्ट करने के लिए, या आप लोग जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं यहाँ पे आप लोग प्रीसेट कर सकते हैं। आप लोग पहले यहाँ पे जब लिख के दोस्तों आप लोग सेव कर देंगे, आप लोग दोस्तों जब वीडियो को अपलोड करेंगे हर वीडियो का साथ यहाँ पे जो लिखा होगा आपका वीडियो में आ जाएगा। उसका बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विजिबिलिटी, यह इसको आप लोग प्राइवेट रखिए या अनलिस्टेड कर वीडियो अपलोड कीजिए। उसका बाद दोस्तों आता है टैक्स। टैक्स दोस्तों आप लोग कैसे लगाएंगे, यहाँ पे दोस्तों आप लोग अगर प्रीसेट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपका चैनल का नाम रख दीजिए। उसका बाद जिस टॉपिक पर दोस्तों आप लोग वीडियो बनाते हैं लैंग्वेज का, उससे लैंग्वेज सेलेक्ट सेट कर लीजिए। उसका बाद दोस्तों आप लोग अगर टेक के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो टेक के जो दो चार या टेक आप लोग यहाँ पे पहले टाइप करके सेव कर रख सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग नहीं चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग जब वीडियो को अपलोड करेंगे तब जाके आप लोग यहां से टैग लगा सकते हैं। उसका बाद दोस्तों आप लोग यहां पे एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर दीजिए। एडवांस सेटिंग पर दोस्तों जब क्लिक करेंगे यहां पे आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस है दोस्तों, आपका जो वीडियो है वो वीडियो आप लोग किसी भी ऑडियंस या किसी भी बंदे ने आपका वीडियो को डाउनलोड करके किसी भी चैनल में अपलोड कर नहीं सकते। अगर करेंगे तो आप लोग अगर इसको स्ट्राइक भी दे सकते हैं। उसका बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएटिव कॉमन, यहाँ पे दोस्तों क्रिएटिव कॉमन्स जो है आप लोग का अगर इसको सेलेक्ट करके देंगे तो दोस्तों आप लोग का जो वीडियो है अगर आपका परमिशन के बिना आप लोग किसी ने भी डाउनलोड करके अगर किसी भी चैनल में अपलोड किया है तो कोई आप लोग कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप लोग परमिशन दे दिया है कि मेरा वीडियो आप लोग रीयूज कर सकते हैं। उसका बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए कैटेगरी, ये जो कैटेगरी से दोस्तों ये आपका चैनल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अगर नहीं होगा दोस्तों तो आपका वीडियो नहीं रैंक करेगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों आप लोग कौन सा कैटेगरी में वीडियो बना रहे हैं उसी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आप लोग कैटेगरी के हिसाब से सेलेक्ट कर लिया। हम दोस्तों टेक वीडियो बनाते हैं इसीलिए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करते हैं। ये दोस्तों जब सेलेक्ट कर देंगे ये वीडियो जब पब्लिश होगा आपका वीडियो यूट्यूब ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही देखने वालों को वीडियो आपका भेजेगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग को बोलता हूँ ये जो कैटेगरी है आप लोग अच्छे से सेलेक्ट कर लीजिए। उसका बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को लैंग्वेज, यहाँ पे दोस्तों आप लोग को वीडियो का लैंग्वेज डालना है। आप कौन सा लैंग्वेज में वीडियो बना रहा है उसी लैंग्वेज को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसका बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे कैप्शन सर्टिफिकेट जो है सर्टिफिकेशन जो है यहाँ पे दोस्तों आप लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या आप लोग इसको छोड़ भी सकते हैं। उसका बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, यहाँ पे दोस्तों आप लोग को सेलेक्ट करना है इंग्लिश, क्योंकि दोस्तों आप लोग टाइटल या डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में ही लिखते हैं। अगर दोस्तों आप लोग हिंदी में लिखते हैं जो भी भाषा में लिखते हैं तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे उस भाषा को सेलेक्ट कर लीजिए। उसका बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर सेव कर दीजिए। ये दोस्तों जो सेटिंग्स कुछ आप लोग को हमने दिखाया है ये बहुत ही यूट्यूब चैनल के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग इसी तरह से सेटिंग कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो भी आप लोग अभी कर लीजिए, आपका चैनल रैंक करेगा, ये दोस्तों 90% गारंटी है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देती हूँ आप लोग का जो सब्सक्राइबर हार्ट बटन का बारे में हमने बोला था लास्ट में बताएंगे दोस्तों आप लोग को, आपका चैनल में व्यूज बहुत ज्यादा आ रहा है लेकिन दोस्तों आपका चैनल का सब्सक्राइबर बहुत कम है। इसी तरह का आपका
साथ हो रहा है तो दोस्तों आप लोग इसको टिक मार्क को उठा दीजिए, आपका सब्सक्राइबर को हाइड करके रखिए। ऐसे ही दोस्तों आपका चैनल का जो सब्सक्राइबर आपका जब दोस्तों 50,000 या लाख हो जाता है तब दोस्तों आप लोग इसको टिक मार के रहने दीजिए, आपका जो ऑडियंस है सारे को देखने को दीजिए कि आपका पास इतना सब्सक्राइबर है आपका चैनल में। अगर दोस्तों सब्सक्राइबर किसी ऑडियंस ने या किसी बंदे ने देखा है तो वो लोग सोचेगा कि इस बंदे का चैनल पे बहुत सब्सक्राइबर है, इसका वीडियो भी बहुत अच्छा है, आपका वीडियो तो बहुत आपका चैनल के लिए बहुत। तो दोस्तों अगर मेरे इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो दोस्तों डिसलाइक कर सकते हैं।